बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे जाके या एस्ट्रो तक की ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से और मेरे फेसबुक पे सुनिधि मेहरा नारंग के नाम से जुड़ सकते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है। सबके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें रह जाती हैं जो उनको बार बार तंग करती हैं, हर्ट करती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं, और बहुत बार यही जो बातें हैं वो डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसमें उसके पास दिमाग है, दिल है, और इसीलिए आपको लोगों की बातें भी हैं बहुत बार चुभ जाती हैं। किसी की इंटेंशन हो या ना हो, आपको कोई नॉर्मल भी बोले, बट अगर आपके मन में वो बात चुभ जाए तो बहुत साल लग जाते हैं उससे बाहर आने के लिए। और वो जो बातें हैं हमें बहुत बार हॉन्ट करती हैं, तंग करती हैं, परेशान करती हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसी बात है जो आप कभी भूल ना पाते हो, या आपको उस बात ने आपका जीना मुश्किल कर दिया हो, या वो बात जो है लोगों की कही हुई आपको इतना तंग करती हैं कि आप उदास रहते हैं, नहीं उस इंसान को एक्सेप्ट कर पा रहे, तो क्या करें? आज की वीडियो इसी बारे में है। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपको किसी की बात बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत परेशान करती है, तो क्या करना चाहिए? हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है। आपको जब भी ऐसे थॉट्स आते हैं आपको क्या करना है, आपको उन दो तीन टेक्निक्स बताऊंगी, आपको जो सूट करती है आप उसमें से कर सकते हैं। चार रादर टेक्निक्स बताऊंगी आपको, इसमें से जो सूट करती है आप वो करिए और आपको यकीन मानिए फर्क पड़ेगा। सबसे पावरफुल टेक्निक है डिलीट बटन की। हाँ, बिल्कुल सही, हमारे पास वो डिलीट बटन है, हमारे माइंड में भी वो डिलीट बटन है आपको, बट ये रेगुलरली करना है आपको। रोज बैठना है, वो बात को अपने दिमाग में आंखें बंद करनी है, अपने गुरुओं को याद करना है, अपने ईष्ट देव को, अपने ईश्वर को याद करना है, आंखें बंद करनी है, 7 times ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, उसके बाद आपको बात याद करनी है। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, आपको वो बात जो टॉर्चर करती है, जो परेशान करती है, वो सारी बातों को सोचिए और उनको एक आपने ब्लैक बोर्ड ले लेना है, इमेजिनेशन में आंखें बंद करके उसको, उस बात को लिखना है। लिखा, फिर आपने क्या करना है, आपने अपने ईश्वर से इरेजर लेना है, जो इरेज करते हैं ना, रबर जो हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, वो इरेजर आपने इमेजिनेशन में लेना है और आपने उस बात को इरेज कर देना है। आपने उस इरेजर को, आपने वो लिख के उसको इरेज कर देना है कि वो आपके दिमाग से इरेज हो रही है। तो आपको रोज कंटिन्यूस ये 40 दिन करना है। आपको अपनी इमेजिनेशन में एक ब्लैक बोर्ड लेना है, एक चौक लेनी है, आपने उसको पहले लिखना है उस बात को जो आपको तंग कर रही है, और भगवान से इरेजर लेना है। आप वायलेट कलर का, ब्लू कलर का इरेजर लीजिए और उसके बाद उसे रोज इरेज कीजिए, रोज इरेज कीजिए। 40 दिन पहले आपने इरेज करना है उसको अच्छे से, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगले 40 दिन आपको दोबारा अच्छे विचार लिखने हैं। जैसे जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स थी उसके उल्टे आपको अच्छे विचार लिखने हैं। फिर वापस एक ब्लैक बोर्ड लेना है, एक वाइट चॉक भगवान से लेनी है और उसको अपने दिमाग में वो जो अच्छी थॉट्स को आपने क्रिएट करना है, और आप देखेंगे 80 दिन के बाद यकीनन आपके दिमाग से वो जो बात है परमानेंट हट जाएगी और अच्छे विचार आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएंगे। तो 40 दिन पहले उन बुरी यादों को लिखना है, मिटाना है, फिर अच्छी बातों को लिखना है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप एक स्क्रीन आंखें बंद करके देखेंगे और देखेंगे कि वो भी जो इमेज है आपको बहुत बार तंग कर रही है, आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जो आपको नहीं भूल रही है, कुछ ऐसा वाक्या हुआ है, कोई ऐसी सीन आपके साथ हुआ है जो आप नहीं भूल पा रहे हैं, तो आपको उस स्क्रीन, एक गोल्डन स्क्रीन अपने सामने देखनी है, वो सीन दोबारा से देखना है, उसको एकदम बिखरते हुए देखना है कि वो एकदम से टूट गई है इमेज। जैसे एक स्क्रीन, टीवी स्क्रीन आपने देखा, उस टीवी स्क्रीन में वो इमेज देखी वापस जो आपके साथ हुई है, और उस टीवी स्क्रीन को वापस से आपने एकदम टूटते हुए देखना कि वो जो स्क्रीन है एकदम बिखर गई है, और उसके बाद आपने एक अच्छी स्क्रीन देखनी, एक अच्छी याद क्रिएट करनी है, एक अच्छा थॉट क्रिएट करना है। पहले वो पुरानी बुरी याद को देखना है, उस इमेज को एकदम से टूटते हुए बिखरते हुए देखो कि एकदम टूट गई है, बिखर गई है वो,
और उसके बाद एक अच्छी थॉट क्रिएट करनी है, एक अच्छी मेमोरी को आपने विजुलाइज करना है। इसको अगर आप 40 दिन करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो बुरी मेमोरी है वो एकदम से आपसे दूर चली गई है। ये भी पावरफुल बहुत टेक्निक है। अब तीसरा तरीका क्या है, जब भी आपको ऐसी बातें याद आती हैं, आपके दिमाग में आती हैं, आपको 21 बार ओम का जाप करना है। तो जब भी ऐसा आपको लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं, उसी समय आप 21 टाइम्स ओम की चैंटिंग शुरू कीजिए। और यकीन मानिए आपके दिमाग से धीरे धीरे वो थॉट प्रोसेस जो है वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा, हटना शुरू हो जाएगा। चौथा उपाय, आपको क्या करना है, अगर आपके दिमाग से ऐसी बातें नहीं जाती तो आपको पंछियों को हर मंडे आपको मूंग की जो दाल है, अंकुरित मूंग की दाल, स्प्राउट्स जो बन जाती है मूंग की दाल, वो मूंग की दाल को आपको हर मंडे बर्ड्स के लिए रख देना है। और ये थॉट देनी है कि ये बर्ड्स मेरे दिमाग से ये जो बुरी सोच है वो लेके जा रहे हैं। और आपको रोज एक एक चारा क्रिएट करना है, आपको हर मंडे, रादर हर मंडे आपको बर्ड्स के लिए अपने टेरिस पे, अपनी छत पे अंकुरित जो मूंग दाल है वो रख देनी है। और इससे भी आप देखेंगे आपके माइंड की जो नेगेटिविटी है, वो जो बुरी सोच है, वो हटनी शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत मदद करे आपकी उस बुरी सोच से बाहर निकलने के लिए, उस बुरी याद से बाहर निकलने के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।